नहीं डाइटिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। ये बन चुका है, कितना प्यारा लग रहा है ना बनने में। अब प्यारा तो लग रहा है, अब खाने के बाद पता चलेगा ये बना कैसा है। पानी वानी मैं पी चुकी हूँ सुबह सुबह खाली पेट। मैं नाश्ते के लिए अपना ये खरबूजा कट कर रही हूँ। आज मैं नाश्ते में खाऊंगी खरबूजा ठंडा ठंडा। गर्मी आ गई तो सुबह सुबह कुछ भी गर्म खाने का मेरा मन नहीं करता, तो मैं ज्यादातर फ्रूट्स ही खाती हूँ ठंडे ठंडे फ्रिज में रखे हुए। ना मीठा है, इतना मीठा है, मेरे को लगन था इतना मीठा हो, जैसे चीनी डाल रखी हो बिल्कुल, उन्होंने डिप किया हो उन्होंने शुगर में। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप क्या सब ठीक है? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा वर्ल्ड लाइफस्टाइल में। अभी आफ्टरनून होने में एक घंटा बाकी है, मैं नहा के आ चुकी हूँ, मतलब अभी 11 बजे हैं और धूप नहीं है, धूप आ रही है जा रही है आप देख सकते हो। ठीक है, मौसम अच्छा है। चलो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर दिया था, ब्रेकफास्ट मैंने सुबह सुबह कर लिया अपना, अभी मैं अपना लंच रेडी करने लगी हूँ। तो मैं अपना लंच रेडी कर रही हूँ, लंच में मैं अपनी एक रोटी बना रही हूँ और ये तोरी बन रही है, इसको मैं सुखा रही हूँ, ज़्यादा पानी वानी हो गया है तो मेरे को ज़्यादा सूखी सूखी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अपना लंच करने लगी हूँ, लंच मैंने एक रोटी और दही और तोरी की सब्जी, कल तोरी लेके आई थी तो मैंने तोरी बनाई है, क्योंकि ना फिर बाद में बासी बासी हो जाती है, इसलिए मैंने ताज़ी ताज़ी बना ली, मैं आपको दिखाती हूँ। एक रोटी और दही और तोरी की सब्जी। A few moments later. कल मैंने इतना पानी पी लिया, आज मैंने कोई पानी ही नहीं पिया, कम बहुत कम पिया। ये भी दोपहर का टाइम है, कितना प्यारा सा मौसम बना हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है आज, बारिश का, बारिश पता नहीं किस टाइम आएगी बट मेरे को लगता है आ जाएगी, ज्यादा इवनिंग तक तो आएगी। हुआ है इवनिंग स्नैक के लिए मैं खा रही हूँ आज, आज ये पिस्ता लिया है मैंने और साथ में मैंने ग्रीन टी अपनी चढ़ाई है, वो ग्रीन टी बन रही है, साथ में मैं वो पीऊंगी। अरे ग्रीन टी ना दिन में दो तो पी लेने चाहिए, मैं मॉर्निंग में भी एक ग्रीन टी ले लेती हूँ, मतलब मिड में 11-12 बजे के करीब, और एक शाम में दो बार मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। यहाँ मैंने ग्रीन टी रखी हुई है और देखो बाहर का नज़ारा, कितना प्यारा मौसम है आज, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, हवा भी चल रही है, बट मेरे को लगता है ये ना थोड़ी देर तक ना बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश आ जाएगी। चाय बनाओ और साथ में मौसम इंजॉय करो। रेडी हो चुकी है, मैं ग्रीन टी बना ली है। आज पता नहीं मेरा मन कर रहा था, क्रेविंग कर रही है कुछ अच्छा सा चटपटा सा खाने की, बट मेरी डाइटिंग चल रही है, मेरे को उसको सीरियस लेना है, तो पता है जब मैं वो क्रेविंग ऐसा कुछ खाने का मन करता है ना तो मैं क्या करती हूँ, कुछ ना गर्म बना लेती हूँ, गर्म इन द सेंस जैसे कुछ गर्म पीने का बना लिया, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी। तो मैंने ना, मेरे को ना बहुत कुछ खाने का मन करा था तो मैंने ना फटाफट ग्रीन टी बना ली, जैसे मैं ग्रीन टी पीऊंगी ना तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने ग्रीन टी बना ली और मेरा दिमाग भी सेट हो जाएगा कि नहीं डाइटिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। वैसे मैं डिनर का सोच रही हूँ, डिनर में क्या बनाऊँ, मेरे को डिनर का अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, देखती हूँ अभी मैं क्या बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2000 years later. मैं अपना बस वो डिनर का सोच रही हूँ, डिनर में क्या बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ कल मैंने वो वाले बनाए थे ना मीठे ओट्स, अभी मैं बना रही हूँ वेजिटेबल ओट्स। पहले मैं दलिया का सोच रही थी, फिर मैं दलिया मैं नहीं खा रही, खिचड़ी भी सोच रही थी खिचड़ी मैं नहीं खा रही तो मैं ओट्स बनाती हूँ वेजिटेबल ओट्स, उसमें मेरे पास कैप्सिकम भी पड़ी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, मटर भी है, तो मैं सब डाल के वेजिटेबल ओट्स बनाऊंगी। चले तो चलो बनाते हैं साथ में। कट कर ली है कैप्सिकम, प्याज और टमाटर कट कर लिया और मटर मैंने छील के रखे हुए थे। पहले मैं विंडो खोल दूं, खो बाहर, मेरे को अच्छा लगता है कुकिंग करो और विंडो खोलियो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं आपको मैंने हाफ स्पून मैंने इसमें घी डाला और मैं इसको घी में बनाऊंगी, घी में इसका मैं तड़का लगाऊंगी, मैं जीरा नहीं डालूंगी, मैं सारी वेजिटेबल्स प्याज टमाटर और कैप्सिकम सारा कुछ मैं इकट्ठा डाल दूंगी और फिर इसको मैं सोते करूंगी 3-4 मिनट तक। वाह भाई साहब, कटिंग देखो मेरी, इतनी बड़ी कैप्सिकम बीच में इतनी बड़ी रह गई है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम में बेचारे साइड में पड़े रह गए थे, इसको मैं भूलने वाली थी, शुक्र है मेरे को दिख गए, नहीं तो ये रह जाते आज में ओट्स में डालने। मेरी कलरफुल वेजिटेबल्स सच में कलरफुल है यार, सारे कलर्स तो है इसमें, रेड ग्रीन और ब्लू कलर है, ग्रीन तो ज्यादा ही है। गाइज मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाली है, सिंपल मैगी मसाला डालते होंगे इसमें, मैं नहीं डाल रही, मेरे को नहीं, मेरे पास ये पोहा मसाला रखा हुआ है तो इसको हल्का सा थोड़ा सा मैं इसमें ये डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी बस। पता है मैंने इसमें हल्दी भी डाली है तो वेजिटेबल्स मैं ज्यादा रखूंगी और इसमें मैं डालूंगी 5 चम्मच, मैंने इसमें ओट्स डाल दिए, मैंने 5 चम्मच ओट्स डाले, वेजिटेबल्स देखो कितनी ज्यादा है और इसमें अब मैं डालूंगी पानी डाल दिया, पानी आप देख के डालो कितने ओट्स हैं कितने नहीं। ओट्स को बस मैं चढ़ा के आई हूँ और मैं ये बालकनी में खड़ी हूँ, दिन में जब मैं जिस दिन मैं वेली होती हूँ ना, वेली मीन्स
वेली पंजाबी वर्ड है और वेली मीन्स फ्री होता है। जिस दिन मैं फ्री होती हूँ ना तो मैं यहाँ पे बालकनी में कम से कम 10-15 चक्कर लगते होंगे मेरे, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे को स्मेल आ रही, जल तो नहीं गए बात करते करते कभी जल गए हों तो मैं किचन में देखा हूँ जरा कभी जल गए हों, मेरा हमेशा यही होता है। इसको ओपन करते हैं, बस बनने वाला है ये, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैगी बन रही हो। मैंने ज़्यादा वेजिटेबल्स डाली है क्योंकि ना वेजिटेबल्स मेरे को बहुत पसंद है इसमें। इसमें क्या मेरे को हर सब्जी में जैसे पोहा हो या फिर मैं कुछ और बना रही हूँ, साबूदाना भी बनाती हूँ ना उसमें भी बहुत सारी वेजिटेबल्स। चूँकि कितना प्यारा लग रहा है ना बनने में, अब प्यारा तो लग रहा है, अब खाने के बाद पता चलेगा ये बना कैसा है। इसको मैं हल्का सोच रही हूँ इसमें ना ये छोड़ दूँ ताकि कभी बाद में थिक ना हो जाए। वैसे मैं खाने ही लगी हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, कल मैंने 6:30 बजे तक खा लिया था, अभी मेरे को लगता है 7:45 हो गया, बस मैं इसको निकालने ही लगी। इसको ना आज मैंने घी में तड़का लगाया, 1/2 स्पून घी डाला था और ना इतने यम बने, आपको लगा था पूजा सारी सब्जियां सारी रेसिपीज कुछ भी बनाती है तो बोलते यम ही बना, सच में अच्छा बना, कम मसाले बनाओ डालोगे तो वो अच्छा ही बनेगा। नमक मिर्च हल्दी पोहा मसाला हल्का डाला है, बहुत अच्छा बना है, बहुत ज्यादा अच्छा बना है। तो सब इसको अभी मैं खा चुकी हूँ, अपना ये ओट्स खा चुकी हूँ और अभी टाइम हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं मैं खाए हुए, टाइम हुआ है देखो 7:07 हो चुका है, 7-8 मिनट ऐसे ही हो गए। मैं अपना डिनर कर चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर तक मैं देखती हूँ ग्रीन टी पीऊंगी, अभी नहीं थोड़ी देर तक देखती हूँ, एडिटिंग करते करते जैसे कल बनाई थी आज भी वैसे ही बनाऊंगी तो उसको मैं पीऊंगी। काफी रोशनी है आजकल तो देर, आपको पता जैसे दिन भी लेट ही छुपता है। बस अब मैं दोबारा एक बारी मैंने कहा अब मैं बार बार उठती फिरूंगी, ये तो मैंने अपने ग्रीन टी बना के अब मैं अपने साथ रख के तभी एडिटिंग करने बैठूंगी। ये मच्छर ना, मच्छर मुंह पे आते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। अच्छा हमको सिखा रही है, आपको दिखता होगा कि पूजा तो बहुत ज्यादा शांत है, मेरे को बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दीप को नहीं पता होगा, इतना दीप को नहीं पता होगा, पता ही होगा उसका भी शायद, पर दीप के सामने कभी ऐसा हुआ ही नहीं हम लोगों के साथ। मम्मी को पता है बहुत ज्यादा गुस्से, मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, बहुत ज्यादा पहले बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बड़ा हो रहा है इंसान तो मेरा गुस्सा, मैं लोगों को देखती हूँ उनकी बातें देखती हूँ, वो अपना मतलब निकालते हैं और निकल जाते हैं पर मैं इग्नोर करती हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। सीरियसली जैसे बड़ी हो रही हूँ ना अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बात बता रहा है ना कि वो ऐसी है वो ऐसे है, उसने तेरे बारे में ये बोला है, या मेरे से कोई मेरे को किसी ने फोन किया मुझसे कुछ पूछा उसको अपना मतलब निकाल लिया और फिर उसके बाद मेरी बात नहीं सुनी तो मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता है पता नहीं क्यों होता है ना कि आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे आपके अंदर इतना सब्र आ जाता है कि आप लोगों को लोगों की बातों से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, यही तो होती है क्या मैच्योरिटी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ मेरे को लगता है, क्या बात है। और बस मैं अपनी ग्रीन टी लेने वाली हूँ, सेकंड टाइम आई मैंने 2 बार पी है और यहाँ पर हो चुकी है मेरी एडिटिंग स्टार्ट। मैं एडिटिंग करते करते पी रही हूँ ग्रीन टी जो कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद दोबारा आने लगी है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।